भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। हाँ से हिंदू मत से मुस्लिम दोनों मिलके हम बना, हम नहीं तो कुछ नहीं, हम हैं तो हिंदुस्तान है। चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। दोस्तों और साथियों, आज हम लोग योम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए जमा हुए हैं और उन शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने तन मन धन अहल वायल सब कुछ कुर्बान कर दिया और अंग्रेज़ों की गुलामी करने से इनकार किए। और हमारे आज़ादी की तहरीक चलाने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिनको एंडमान भेज दिया गया और बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया गया, हमारे मुजाहिदीन से इस मुल्क की कुर्बानियों को हम रायगा होने नहीं देंगे और हमारे देश को बचाने के लिए तिरंगा घर घर जरूरी नहीं है, दिल में तिरंगा होना ज़रूरी है। मैं सबसे अहम मौजू पे बात कर रहा हूँ कि हमारे इस 75वीं सालगिरह के पूर्व मुसरत मौके पर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बेहतरीन नुमाया काम करने के इवज में हमारे इरशाद अंसारी साहब को एक पद प्रदेश की जानिब से दिया गया, मास्टर प्रदेश संगठक, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और प्रदेश के जो राष्ट्रवादी के जितने भी लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को ये पद देकर उनसे एक अच्छा काम करने का के लिए संकल्प किया है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो हम यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, और खुदा के नाम से हर काम का आगाज करते हैं, वही मालिक है उसके कर्म पे नाच करते हैं। बोलना यह है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से लेकर के अब तक के, आज़ादी तो हमको मिल गई लेकिन हमारा देश आज़ाद हो गया लेकिन हम आज़ाद नहीं हो पाए। किस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पाए वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे छुआछूत की जो बीमारी है, जैसे ऊंच नीच का और अमीर गरीब का, ये सब से आज़ादी नहीं मिल पाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ देशवासियों को, हमारे भारत देशवासियों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग इससे ऊपर उठ करके आप लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करिए। कोई तकलीफ़ में है तो उसकी मदद करिए, कोई बीमार है तो उसकी मदद करिए, कोई गरीब है अगर अपने लड़की की शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद करिए। आज इस शुभ अवसर पर आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी के जश्न मनाते हुए हमको और आपको और पूरे भारत देशवासियों को ये संकल्प लेना होगा और ये संकल्प लेना चाहिए तहे दिल से कि हम अपने पड़ोस में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, हम अपने पड़ोस में किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम अपने पड़ोस में किसी को परेशान होते हुए नहीं देख पाएंगे, हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। जिसकी जो पोजीशन हो, सबसे पहले तो यह है कि हम अपने पड़ोस से जब शुरू करेंगे, अपने रिश्तेदारों से शुरू करेंगे, तो ये बात अगर पूरे देश में चलाई जाए और ये बात को अगर पूरे देश के लोग समझें तो मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी की बात नहीं होगी और हम सब आज़ाद, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है वैसे हमारे सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे
और हमारा देश ये है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सिर्फ कहने की बात रह गई है। गांधी जी ने जो नारा दिया था उस नारे को सिर्फ कहने के लिए रह गया है, बाकी उस पर अमल नहीं है। आज हम अमीर गरीब के नाम पे जो है कहीं ना कहीं जो है उसको थोड़ा सा कम देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, न तुम्हारा है न हमारा है, ये देश सबका है, न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का मैसेज देना चाहता हूँ कि प्यार और मोहब्बत बांटिए। जैसे बहुत सी जगहों पे बहुत से प्रोग्राम देश में हुए, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं आस्था के नाम पे, कहीं राजनीतिकरण के नाम पे, तो प्रोग्राम जब हुए तो उसमें लोग कहीं तीर दिखाते हैं, कहीं तलवार दिखाते हैं, कहीं त्रिशूल बांटते हैं, कहीं तलवार बांटते हैं। तो मेरा बोलना यह है कि न तीर बांटने से चलेगा ये देश, न तलवार बांटने से चलेगा ये देश, अगर चलेगा तो प्यार बांटने से चलेगा। मैं ज़्यादा और कुछ ना बोल करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और भारत माता की, भारत माता की। Thank you.
आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और 75 साल के इस आज़ादी के दिन पूरे देश में तिरंगा लहराया जा रहा है और बड़े धूमधाम से यह आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। इस आज़ादी के दिन जो हमारे जो शहीद हुए हैं लोग उनको भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस देश के आज़ादी में हिस्सा लिया था और अपना बलिदान दिया था। लेकिन आज जो 75वां सालगिरह मना जा रहा है और उस मौके पर पूरे देश में जो 80 करोड़ लोग अनाज बांट के गवर्नमेंट अनाज बांट रहे करके बता रहे, लेकिन ये 80 करोड़ लोग जो उनको अनाज के लिए आज ये हो रहे तकलीफ हो रहे और अपन 75वां साल मना रहे। इस आज़ादी में सबको घर मिलना चाहिए था, सबको रोजी रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक वो इस 75 साल में मिला नहीं। और मैं सभी भारतवासियों को इस 75 साल के अवसर पर शुभेच्छा देना चाहता हूँ।